कैलिबर, ये 2018 की ब्रिटिश थ्रिलर फिल्म है जो 29 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मैट पामर, स्टारिंग जैक लॉर्ड एंड मार्टिन मकेन और टॉनी करन। ये कहानी है वॉन और मार्कस, इन दो फ्रेंड्स की। वॉन का कैरेक्टर निभाया है जैक लॉर्डन ने और मार्कस का कैरेक्टर निभाया है मार्टिन मकेन ने। मार्कस एक बिजनेसमैन है जिसके लिए शिकार करना, ड्रग्स लेना, ये बिल्कुल एक आम बात है। और साथ में उसे फिल्म में थोड़ा सा गुस्सेल और सनकी भी दिखाया है। लेकिन उसका दोस्त वॉन इससे बिल्कुल उल्टा होता है, बहुत ही सीधा साधा, जिसने कभी भी शिकार नहीं की है, जो अपनी फियोन्सी से बहुत प्यार करता है। उसकी फियोन्सी भी अभी प्रेग्नेंट होती है और इसी बीच में मार्कस वॉन को अपने साथ शिकार पर लेकर के जाता है। अब शिकार पर जाने के बाद में उनके साथ वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों एक बहुत ही भयानक मुसीबत में फंस जाते हैं। अब वहाँ पर कोई मॉन्स्टर आता है या फिर कोई फैंटेसी फिल्म की तरह यहाँ पे कुछ होगा, ऐसा आप मत सोचिए। लेकिन जो कुछ भी वहाँ पर होता है उससे ये दोनों एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। कैलिबर एक रियलिस्टिक फिल्म है, इसलिए इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है उस पर हम यकीन कर पाते हैं। और हमें भी अंदर से ऐसा लगता है कि अगर हम भी ऐसी किसी कंडीशन में फंस जाते हैं या हमारे साथ भी अगर ऐसा कुछ होता तो शायद हम भी ऐसा ही कुछ करते। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है कैरेक्टर्स को सेट करने में, कहानी का बेस तैयार करने में, और फिल्म में जो एक ट्विस्ट आता है ना, जिसके बाद फिल्म में हमारा इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है, उस ट्विस्ट के आने में थोड़ा सा समय लगता है। और इसलिए फिल्म का फर्स्ट हाफ हमें थोड़ा सा शुरुआत में स्लो लगता है। फिल्म में बिना किसी वायलेंस के, खून खराबे की हमें थ्रिल करने की कोशिश की है, जिसमें ये फिल्म कामयाब भी हो जाती है। पर सेकंड हाफ में मान लीजिए हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है जिससे बाहर निकलने का, जिससे बचने का कोई भी रास्ता हमें दिखाई नहीं देता, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? पश्चाताप और नैतिकता, इनका साथ हम कहाँ तक दे सकते हैं? एक झूठ, गलती को छिपाने की वजह से कैसे हमारा मन हमें अंदर से ही खाने लगता है। सामने सब कुछ नॉर्मल होता है लेकिन फिर भी कैसे हमारा मन अंदर ही अंदर संशय के जाल बुनने लगता है। ये सारी बातें फिल्म में बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई है। पश्चाताप और नैतिकता के साथ ही इसकी दूसरी साइड भी ये फिल्म हमारे सामने रखती है, माफी या बदला, या फिर दोनों ही। मान लीजिए आपका अपराधी आपके सामने है तो आप क्या करेंगे? माफ़ करेंगे या फिर उसका बदला लेंगे, या फिर इन दोनों के बीच का कोई रास्ता निकालेंगे? ये और ऐसी बहुत सारी कंडीशंस को ये फिल्म बहुत ही रियलिस्टिक वे में हमारे सामने रखती है। अगर हम बात करें फिल्म के माइनस पॉइंट की, तो फिल्म का फर्स्ट एक्ट मुझे थोड़ा सा स्लो लगा। सेकंड एक्ट में इस घटना के बाद में मार्कस और वॉन ये दोनों क्या करते हैं ये हमें दिखाया है, और सेकंड एक्ट के बाद में ही फिल्म में हमारा इंटरेस्ट बनने लगता है। लेकिन फिल्म का असली मज़ा शुरू होता है फिल्म के थर्ड एक्ट में। हमारे बहुत सारे इमोशंस को ये थर्ड एक्ट छूता है, और जो भी मैंने कंडीशंस आपको पहले बताई, इन सारी कंडीशंस में से फिल्म के कैरेक्टर्स कैसे रास्ता निकालते हैं ये हमें फिल्म के थर्ड एक्ट में देखने को मिलता है। और फिल्म का एंडिंग वो हमें सेटिस्फाई करता है और बिल्कुल लॉजिकल भी लगता है। अगर हम बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो फिल्म में केवल 3 या 4 ही लीड कैरेक्टर्स हैं, उसमें भी ज़्यादातर समय स्क्रीन पर हमें जैक लॉर्डन और मार्टिन मकेन ये दोनों ही दिखाई देते हैं, और दोनों ने सच में बहुत ही नेचुरल परफॉर्मेंस दिए हैं। यानी फिल्म में जो घटना होती है ना, उसके बाद में उन दोनों के चेहरे पर वो एक्सप्रेशंस, वो डर हम साफ तौर पर देख सकते हैं। एक ड्रग एडिक्टेड, गुस्सेल और सनकी व्यक्ति, और उसके साथ में एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति, ये दोनों ही ऐसी कंडीशन में कैसे रिएक्ट करते हैं ये मार्कस और वॉन, इन दो कैरेक्टर्स के जरिए डायरेक्टर ने बिल्कुल परफेक्टली स्क्रीन पर दिखाया है। तो दोस्तों, कैलिबर एक रियलिस्टिक थ्रिलर फिल्म है। जब आप एक बहुत ही भयानक कंडीशन में फंस जाते हैं, उस समय मानवता और अमानवता, नैतिकता और अनैतिकता, इन दोनों में से किसी एक को चुनना कितना कठिन होता है, ये बात ये फिल्म हमें दिखाती है। अगर आपको रियलिस्टिक फिल्म देखना पसंद है तो कैलिबर आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं इस फिल्म को दूंगा 8 out of 10 stars। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।